मालकानगिरी भारतीय जनता पार्टी को लगी जोर का झटका। अंदर्शक बंधु घटनाटी सत खबर बालीमेला नगर दीर्घ 15 वर्ष धरी भाजपा विभिन्न पद पदवी में रही कार्य कर कार्यकर्ता मानंकु अनदेखा करिबा जोगु आज मुह खोल बाध्य बालीमेला भाजपा 20 जन कार्यकर्ता जिला सभापति सहित जिला कमिटी बालीमेलार कार्यकर्ता मानंक कथा शुणिले नाही कि केबे भी सेमानंक सहित भल संपर्क रखी नाहंती। भाजपा मालकानगिरी दलर नैतिकता हजी जाइथिबारु भाजपा कार्यकर्ता माने भाजपा दलर इस्तफा देइछंती बोली कहिछंती। सेमाने समस्ते राज्य सभापति श्री मनमोहन सामल को इस्तफा पत्र पठाइछंती। भाजपा बालीमेला कार्यकर्ता माने कहिछंती जे मालकानगिरी भाजपा रे आउ कार्य करिहेब नाही काहेकि ना आमे बहुत कष्ट करी बालीमेला चेयरमैन बनेछु किंतु आमर कोनोसी गुरुत्व देले नाही तेणु आउ भाजपा दल रे कार्य करिहेब नाही। ओडिसा रा मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक भल कार्य करूछंती गरीब लोक मानक पई सबुबेले सहायता जोगाई देउछंती तेणु आमे समस्ते बीजेडी बिजू जनता दल रे शामिल हेबो काहेकिना नवीन बाबू का आदर्श आम मानक अनेक भल लगुछ बोली भाजपा रु इस्तफा देथबा कार्यकर्ता विजय किशोर दास सीमांचल प्रधान त्रिनाथ साहू पूर्णचंद्र चलाण पूर्णचंद्र विश्वाल रमेश कुमार जानी सहित 20 जन भाजपा रु इस्तफा देथबा कार्यकर्ता माने कहिछंती। चित्रसेन स्वयं मु जिला उपसभापति बीजेपी रो आज मु इस्तफा देउछि और मो इस्तफा पत्र राज्य सभापति को पठाई देते दलटा भल लगानी दल राम रही कम किसी हेना से इस्तफा दे मो ना सीमांचल प्रधान भारतीय जनता पार्टी साधारण संपादक भी कार्य करूँ आज को प्राय 13 वर्ष हम प्रत्येक क्षेत्र में मु विरोध कर श्रीयुक्त नवीन पटनायक प्रत्येक उन्नतिमूलक कार्यक्रम भी मु विरोध करछि। विरोधी दलर नेता हेले मध्य आज पर्यंत मु कोनोसी पदक्षेप भूल नेनी आज नेबाकु बाध्य हेली कारण मोर जिला भाजपा मोर गोटे भी कथा शुणिले नाही मते विरोध करी चलले मोर कथा को मानले नाही आउ कहियो बोले आजर पदक्षेप मु मोर बड़ भाई सान भाई आखापाखी 20-25 जन मते साथ देइछंती आगू जीवा पाई आज संध्या सुधा आम जनईदेबू भारतीय जनता पार्टी आम पाई कौन करथिले आगू आम विजु जनता दल को किमी आगू नबू ताको उन्नतिमूलक कार्यक्रम किमी आगे बालीमेला उन्नति हम ताकि देखेदेबू। मो ना विजय दास बीजेपी नगर उपसभापति बीजेपी रे दीर्घ 15 वर्ष है कम कर ए वर्ष चेयरमैन मध्य गढ़िलु बीजेपी रे बहुत काम कलु किंतु से दल रे कौनसी आमर इम्पोर्टेंस दिया गला नहीं। आउ द्वितीय कथा हला माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो उन्नतमूलक कार्यक्रम करुछंती ता पर आश्चर्यजनक काम करुछि। आगामी रे 12 तारिख रे श्री लक्ष्मी बस छाड़ुछंती गाँ गाँ रु लोक आसवे रोगी गुराक मेडिकल को आसीपारे आठ किसी माने उन्नत धरण किसी कम आम भावु आईन बहुत गरीब लोक उपकृत हेबे ये सब उन्नत धरण कार्य नवीन पटनायक देखिकी आमको बहुत खुशी लगुची एवं आग्रह लगुची। आउ बीजेपी रे रहिलु किंतु किछि आमे उन्नतमूलक कार्य आम करी भाविली जे ना ये दल रे विजु जनता दल काम देखिली ये काम देखिकी भावुची आ बीजेपी रे किसी काम करहब ना कि लोकर उपकृत किसी करना ये सब किसी भाविचिंता करी मु आज बीजेपी दलरू
ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଭାଜପା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଜପାକୁ ଛାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପଳାନ୍ତି ତେବେ କଣ ହେବ ମାଲକାନଗିରି ଭାଜପାର ଅବସ୍ଥା? କଣ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ହେଉନି କି ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।